स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई जितने भी दोस्त यहाँ मेरे साथ हैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करते हैं टॉपिक विच मीन की आप किसी इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड विच मीन्स की आपको ये रियलाइज हुआ है कभी कि इंटरव्यू स्किल्स में कहीं कोई परेशानी है अभी राइट तो दिस सेशन इज गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स सिर्फ एक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे प्रॉबेबली अराउंड हाफ एन आवर और समथिंग बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू मी एंड टू थिंक अबाउट एवरी थिंग दम गोइंग टू टॉक टूडे जब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं एज पीपल As uh, Indians let's say and as uh, individuals who are experiencing a lot of competition at this given point of time, you know everybody wants to get a good job. Be it public sector, be it the private sector, it doesn't matter. You know बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी नौकरी चाहिए और अच्छी नौकरी के पीछे का जो कंपटीशन है किसी के लिए वो कॉम्पिटिशन मोटिवेशन बन जाता है और किसी के लिए वही कॉम्पिटिशन एक ट्रॉमा बन जाता है कि स्टूडेंट उससे उभर नहीं पाते हैं वो यही सोच के घबराते रहते हैं कि uh, हम इतना नहीं हैंडल कर सकते बहुत ज्यादा लोग हमारे विरोध में हैं या हमसे बेटर बहुत सारे लोग हैं तो ये जो पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है ये खुद अपने आप में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत मेजर हर्डल का, का काम करता है राइट right? और जब हम यू नो यू लोकेट योर होल कंट्री आप अपने पूरी कंट्री को देख के बात करिए और आप अपनी ही फैमिली को देखिए अपने आसपास के लोगों को देखिए सबके दिमाग में एक ऑब्सेशन होता है कि कोई बच्चा कब सॉलिड है कब यू नो काबिल है कब वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव है या इफिशेंट है जब उसने कोई अच्छी नौकरी पकड़ लिए है ना अच्छी नौकरी में प्राइवेट सेक्टर में Uh, साबित करना पड़ता है कि नहीं मेरी नौकरी अच्छी है पब्लिक सेक्टर में साबित नहीं करना पड़ता सरकारी नौकरी मिल गई तो पहले से लोग कन्विंस होते हैं कि नहीं साहब हैं अब अब ये दिस इज गुड हाउ ये जो एक अनडाइंग प्रेशर होता है ना आप लोगों के ऊपर शुरुआत से यू गाइज बिन टोल्ड अच्छे नंबर लेके आओ फिर अच्छा कॉलेज पकड़ो फिर अच्छी नौकरी पकड़ो और अच्छी नौकरी के लिए ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू का पोर्शन भी आता है राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी सिंपल इंटरव्यू का एक एस्पेक्ट नहीं होता है इंटरव्यू को जो भी कोई आपको ऐसे पढ़ाता है कि आप कुछ क्वेश्चन को उठाइए राइट right? उनके परफेक्ट आंसर ढूंढिये और जाकर के इनको डिलीवर कर दीजिए आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा ये ज्यादातर आपको ये चेन फॉलो करवाई जा रही है है ना most of the people are being taught this but when you talk about an interview is it only about some questions and some answers have you never seen some people who have given very good answers but have yet not been selected because because there are multiple other reasons that are probably Taken in consideration when a person is appearing for an interview. It is not only about question, perfect answer, and the delivery. It is not about that. It is about a lot of other things. And I'm going to talk about those a lot of other things, message, or sub primary aapka pillar And that is not going to prepare you for just one interview in life. If you're actually here to listen to me and to probably be able to, uh, if if honestly you want to sit down and think about the things that i'm going to talk about today you might end up resonating with me or my thoughts or my thoughts might resonate with you so we start and we understand that interview is not just question answer delivery it is not that that could be a part of it but it is not only that now if i take you ahead why do you have to be confident is my first question When everybody tells you, interview कुछ नहीं होता है यार चिंता मत करो तुम गो है कैसे होता है हाउ हाउ डू पीपुल बिकम कॉन्फिडेंट वॉट इज कॉन्फिडेंस कहां से आता है ये कॉन्फिडेंस कोई स्विच लगाया कि हमने बस बटन प्रेस करिएन आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन या फिर कुछ ऐसी दवा होती है कि खा लो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा पीपल स्ट्रगल टू बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट देर लाइव कॉन्फिडेंस किसी को आज बैठ के कल नहीं मिल जाता है कल बैठ के परसों नहीं मिल जाता है छह महीने में मिल जाए ये भी कोई गारंटी नहीं होती है बट अगर आप सही रूट फॉलो करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा लोग हमेशा कहते हैं वॉट इज कॉन्फिडेंस आप लोग क्या कहते रहते हो बी कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट confident. What is confidence? You know you are a confident person or you're not. How will you figure that out whether you're a confident person or you're not? You just have to ask yourself a question. Are you worth it? Up koebi, Koibi, interview, exam, performance, presentation, seminar, webinar, workshop, classes. You know, कोई भी चीज ठीक है आप करने जा रहे हैं आप अपने आप से ये सवाल कब पूछते हैं पीपल डोंट आस्क पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू बिलीव पता नहीं हो पाएगा कि नहीं वॉट इफ इट डज नॉट वर्क आउट वॉट इफ इट इफ इट डजेंट हैपन पीपुल नेवर लुक एन से आई वर्थ इ क्या मैं इसे अचीव करने के काबिल हूं डू आई रियली डिजर्व दिस पहला कॉन्फिडेंस का साइन ही ये होता है कि आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस पद के काबिल हूं क्या मैं इस पोजिशन को होल्ड करने के काबिल हूँ क्या मैं स्टेज पे खड़े होने के काबिल हूँ क्या जो मुझे सैलरी चाहिए मैं उसके काबिल हूं पीपल नेवर आस्क दैट वो डिल्यूजन में रहना चाहते हैं अगर कोई उनको कभी बताता भी है कि भाई अभी तुम में ये कमी है उसका बुरा मान जाएंगे बुरा मान जाएंगे और तुरंत कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ हाँ आई एम नॉट वर्थ इट अभी मेरे में दिक्कत है अभी आई लैक दिस लैक दैट ब्ला स्टेप नंबर वन इज है मैं इसके काबिल हूं या नहीं एक्चुअली यहां से शुरू होता है क्योंकि अगर तुम वाकई उसके काबिल हो इफ यूर एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ दैट यू विल नॉट बी स्केयर इन आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट विल नॉट गिव यू पैल्पटेशन इट विल नॉट मेक यू नर्वस इट विल गिव यू अ सॉलिड आंसर इट विल से वर्थ इट यू वर्थ हार्ड यूर ऑनेस्ट यूर डिटर्मिंड you've stood your ground you've, you've always wanted this and hence you deserve this you know so when this question comes up right when this question comes up in your head that is a sign that you are confident and when you answer that question in affirmative in positive and you say yes i deserve it i'm worth it I I can get it. I am getting it. That's your sign that you're confident. Now you can fake it. You can fake it for as long as you want. आप हमेशा अपने दिमाग से पूछ के आ, हम तो रिजर्व करते हैं लेकिन आपका मन आपका कॉन्शियंस वो आपकी सच्चाई जानता रहेगा एंड वो ही होती है वो नर्वसनेस जो पता है ना तुम्हें जो तुम लोगों के सामने बैठ के बोल नहीं पाते या कहीं जब इंपॉर्टेंट जगह पहुंच जाते हो तो अचानक से दिमाग ब्लैंक आउट हो जाता है वहां से भागते रहने का मन करता है हटो हटो इतनी भीड़ नहीं चाहिए लोग नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए दिस इज योर अंडर कॉन्फिडेंस स्पीकिंग वो जो अंदर तुम्हारा कॉन्शियंस है उसको नहीं झूठ बोलोगे तुम बोल ही नहीं सकते हो एंड दैट्स वाई आई टेल माई स्टूडेंट्स टू डू दिस एवरी डे यू नो आफ्टर दैट ट्वेल्व आवर्स फोर्टीन आवर्स फिफ्टीन आवर्स ऑफ स्टडिंग Sit down and ask yourself, जो मैंने आज पढ़ाई करी है क्या इसके दम पे मेरी नौकरी लगनी चाहिए क्या मुझे मेरा वो होना चाहिए यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम टुडे आई एम नॉट इवन आस्किंग यू टू डू इट फ्रॉम टुमोरो और लाइक एनी अदर टुडे तुम आज जो भी एफर्ट कर रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है इतनी आंसरेबिलिटी तुम्हारी अपनी तरफ बनती है राइट right? आपको पूछना चाहिए कि वॉट एवर हैंग मी बेटर इज दिस इम्प्रूविंग माई सिचुएशन और मे बी माई सर्कमस्टांसिस वी नेवर डू दैट नो बडी डैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी कॉन्फिडेंट एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव दैट एक्सट्रॉडनरी लाइफ एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी शो फ्रिकिन गुड एट एवरीथिंग ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ड्रीम्स एंड ओनली ड्रीम्स उट द रियालिटी डू यू है सिट डाउन एंड यू चेक यूर एफर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सुपरफिशियल स्टेज में हम चल रहे होते हैं ना हमने जब कभी इंटरव्यू पे काम नहीं किया हमने कभी कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया हमने कभी अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं किया अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं किया अपनी टोन पे काम नहीं किया फेशियल एक्सप्रेशन पे काम नहीं किया उसको लेकर के कभी हम लोग इंटेंशनल हुए ही नहीं फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम किसी भी इंटरव्यू में जाएं और बिल्कुल मचा के आ जाएं? कैन वी हमें रखनी चाहिए ऐसी एक्सपेक्टेशन? जब हम अपने आप से फेक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं वी आर हर्टिंग आर सेल्व इवन हार्डर हम अपने लिए और ज्यादा बड़ी चोट का जुगाड़ कर रहे हैं बिकॉज आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं नहीं नहीं मैंने तो मेहनत करी है मैंने तो ये किया वो किया दिमाग को एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है जबकि रियलिटी कुछ और थी फिर नहीं हुआ फिर आप दुखी होते हैं सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग इफ यू 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 वांट समथिंग वर्क फॉर इट डोंट जस्ट एक्सपेक्ट इट यू वर्क फॉर इट इफ यू डोंट वर्क फॉर इट यू सिटिंग एंड एक्सपेक्टिंग इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट है ना हमेशा पहले मेहनत और उसके बाद उम्मीद पहले मेहनत फिर उम्मीद और जो आपकी ये कॉन्फिडेंस की पूरी कहानी होती है ले दे के मुश्किल से कुछ चीजों पर डिपेंड करती है देखिए आपको पहले बता दें वाई डू वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट हमें होना क्यों चाहिए कॉन्फिडेंट लाइफ में लुक द राइट काइंड ऑफ अटेंशन राइट एवरीबडी वॉन्ट्स द राइट काइंड ऑफ अटेंशन चाहे वो ऑफिस हो कॉलेज हो दोस्त हो घर हो परिवार हो वट एवर इट इज हमें हमेशा ये लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दैट ऑफिस है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द हाउस है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री है वर्ल्ड है वट एवर इट इज वो हमें नोटिस करे, हम उनके खास हों हम हमारा काम वो पहचाने राइट right? कॉन्फिडेंस से आता है वो कितनी भी चाटुकारिता किसी की कर लीजिए आपको वो अटेंशन मिलेगा ही नहीं इफ यू डोंट हैव कैलिबर आपको नौकरी शायद मिल जाएगी नौकरी के बाद प्रमोशन के लिए अलग स्ट्रगल रहेगा Right? If you have good communication, you have good confidence, you know that I deserve it. You get to have the positive influence that you want. The influence I'm talking about. When you say that this has to be done, others do it. You know, what is the most important quality of a leader? The power of influence. Why is that person a leader? Why are we not leaders? Because that person can influence. Right? Moving on healthy relationships.

वाई डोंट पीपल लाइक मी मैंने उसका क्या बिगाड़ा है These two kinds of people, ये क्यों दिक्कत होती है ये कैसे पहचानते हैं हम कि कुछ लोग को यार सारी दुनिया का सम्मान और प्यार और सब मिल रहा है और कुछ लोग ये कोई पूछ नहीं रहा है ये क्यों होता है दिस इज बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस राइट दैट मीन यू गेट टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स अब बहुत सारे लोगों को देखा होगा पीपल प्लीजिंग की बड़ी गंदी आदत होती है चमाट भी मारेंगे तो वो हंसेंगे वो खुश होंगे <laughs> दिस अपना, अपना, करने दो, करने दो. Right? Like अक्सर आपने देखा होगा ऑफिस स्पेसेस में खास करके जब आप और आगे बढ़ेंगे यू बिकम समथिंग इन लाइफ आप देखिएगा Uh, अपने नंबर बढ़ाने का काम दुनिया वाले बहुत करते हैं नंबर कैसे बढ़ाएंगे यही करके पीपल प्लीजिंग करके सामने वाला जब देखो तब तुम्हारे पर जोक्स कर सकता है तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकता है तुम्हें नीचा दिखा सकता है और सही वक्त पे कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं खड़े रहते हैं अरे अरे सर 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 ये क्या फंड है ये पीपल प्लीजिंग का फंड है ये लोग बेचारे करते बहुत हैं सामने वालों के लिए बट इनको राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम एंड द राइट सपोर्ट नहीं मिलता है स कह रहे नहीं इसके अंदर क्वालिटी नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है जो एक्चुअली दिमाग वाले लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं राइट बट कॉन्फिडेंस से आप पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलते हैं यू गेट टू हैव हेल्थी रिलेशनशिप्स जहां पर आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं एज इन नेगोसिएशन एंड कन्विंसिंग यू नो दे पीपल हुन कॉल एंड वर्क इज डन देर समीपुलट जस्ट आफ्टर देर लाइफ बट इट इज नेवर डन दैट इज वॉट वी अंडरस्टैंड बाई कन्सिंग एंड एंडोसिएशन some people close the pitch at two lakhs and some people go down to like one lakh and still it doesn't happen. why? because of confidence. the number one thing is confidence. some people talk absolute rubbish, but they're still the center of. They, they've got all the light on themselves. but then there are some people who maybe are very intelligent, very hardworking, very dedicated, very good with their words, but they're never counted. they, they never get the deserving amount of attention. Why? Confidence. And you see better job opportunities and promotions. There are so many people I know who probably work harder than me, who probably work harder than everybody there is in my office, but they get paid the bare minimum. They get the bare minimum kind of attention. कहीं जहां पर कोई वो काम नहीं कर रहा होगा तो उस बंदे को बुला के कहते जाएगा सुनना यार कर लेना तू बाकी लोग तो सब पार्टी करने जा रहे हैं तू ये करके आ जाना वो बेचारा वो वो भी करेगा वो वाई बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस की कमी है बिकॉज उसको ये नहीं पता कि आई कैन डू दिस यू नो आई हैव टू लीव दिस ऑफिस एंड फाइंड अ प्लेस वेर आई एम रिस्पेक्टेड वेर माई टैलेंट इज आइडेंटिफाइड वेर माई स्किल्स आर प्राउडली रिस्पेक्टेड एंड अप्रीशिएटेड सम पीपुल गेट एवरी थिंग सम पीपल डोंट दैर इज वन माई न्यूड डिफरेंस एंड दैट इज कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस गिव्स यू ऑल दीज थिंग्स एंड आल टेल यू वॉट Realize your full potential. You know, we you think of a few things and you say, ye karna hai mujhe. and then you think of a few things, right? You will have to get rid of this thinking. Wherever you are in life, whatever you can think of, whatever you know of.

यू नो वॉट मेक्स आई सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूं यहां पर आप सोच के देखिए कि आ, एक इंसान है लेट से एक्स ठीक है एक्स का ऑफिस अच्छा नहीं था पुराना वाला उसको कुछ परेशानियां थी इसने इसको छोड़ दिया इसको लगा इसको खुद समझ में आया कि भाई मुझे यहाँ पे ठीक से नहीं ट्रीट किया जा रहा है मैं मेरा काम भी अच्छा नहीं हो रहा है ग्रोथ भी नहीं है रिस्पेक्ट भी नहीं है इस बंदे ने कहा मैं ये छोड़ रहा हूँ रिजाइन कर रहा हूँ आगे का कोई प्लान नहीं है ठीक है कोई प्लान नहीं है एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन दस दिन पंद्रह दिन छह महीने आठ महीने साल ठीक है ये बंदा बिकॉज ऑफ दिस नई नौकरी को ढूंढ लेगा ये बंदा गिरेगा नहीं क्योंकि इसको एक चीज पता है दैट आई कैन डू दिस क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन मुझे सही ऑपरचुनिटी मिलेगी आई विल नेल दैट ऑपरचुनिटी राइट बट यही इंसान अगर इसने रिजाइन कर दिया और इसके पास कोई प्लान नहीं और प्लस इसको ये नहीं पता है कि यार तुम्हारे पास क्वालिटी है एंड यू डिजर्व जॉब ये बंदा मैक्स टू मैक्स महीना दो महीना एंड देन देर स्टार्ट्स द डाउनफॉल डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स एंड व्हाट नॉट बट व्हाई डज दिस हैपन यू डू अग्री विद मी राइट कितनी बार होता है आप लोग बहस करके झगड़ा करके कहीं से चले आते हैं जिस दिन आपको ये पता होता है कि मेरी गलती नहीं है उस दिन आप नहीं जाते किसी के सामने सर झुकाने क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है लेकिन जिस दिन आपके मन में थोड़ा सा भी गिल्ट होता है दैट you know, यू नो यहां मुझसे गड़बड़ हो गया एक दिन दो दिन तीन दिन आप खुद जाके माफी मांगते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है और बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा गलती करते हैं हमेशा माफी कोई और ही मांगता है क्यों क्योंकि वो हमेशा कॉन्फिडेंस में कि हम तो गलतियां कर ही नहीं सकते हैं।

Oh, everybody is very well educated people have a lot of experience people have a lot of knowledge people have a lot of exposure so to compete with them is also not easy but you have to be very well prepared you have to understand that you have the potential you're going to sit down you're going to give good answers and you're going to nail the goddamn interview right now how do you first work on your confidence, how can you do your confidence? Straight up. Take okay. care. You have to shift your focus. Now, this sounds again, sounds very, uh, let us say, that's a very nice word, but I don't know if I should be using it. So, to simplify it, this is not just theory. This needs again, this needs practical. Shift your focus. Instead of consistently thinking that. मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ मैं गांव से हूँ या मैं शर्मीली हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ मेरे को हमेशा से कमी है कॉन्फिडेंस की इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल ऑफ दिस आई एम वर्किंग हार्ड आई एम रिमूविंग ऑल माई ऑब्स्टिकल्स आई एम वर्किंग ऑन माई प्रॉब्लम्स आई एम ट्राइंग टू टेक आउट द बेस्ट फ्राम विद एंड आई कैन डू इट यू शिफ्ट योर फोकस There's a very simple saying आप जो भी ग्रंथ किताब आप जो भी पढ़ते हो सब में लिखा हुआ है You become what you believe So basically आप अपना belief system को challenge कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि ना मेरे में दम है ना मैं कुछ कर पाऊंगा और ना ही मेरा कुछ बनेगा सॉर्टेड है यार कोई दिक्कत नहीं है देख लेना इसी थॉट प्रोसेस के साथ छह महीने आठ महीने दस महीने सिंपल फिनिश्ड फिर जो इंसान के अंदर इतना कैलिबर है कि वो दो लाख चार लाख दस लाख की नौकरी कर सकता है वो कुछ भी पकड़ लेता है फिर दस पंद्रह हजार बीस हजार टाइप्स हाँ बस आने दो कोई बात नहीं सो यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस यू हैव टू स्टॉप डुएलिंग ऑन द नेगेटिव यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंड द पॉजिटिव द मोमेंट यू मूव अवे फ्रॉम दिस लैकिंग माइंड सेट आई डोंट हैव दिस आई डोंट हैव दैट Baba, I have this, I have that, I have this, I have that. I don't have kijage, I have hoga. Again, this works. Try it out. No matter where you are in life, no matter how tough this is, how monotonous this is, how burdensome, cumbersome this is. I just want you to understand that these very simple things will really change the meaning of your life. Discover the power of body language. यू नो सो मेनी टाइम्स एंड मे बी यहाँ पे जो मेरे साथ बैठे हैं ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं इसमें से एट्टी परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये महसूस किया है कि वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं मेहनत भी करते हैं शायद जॉब भी करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है अः कि जब हम एग्जैक्टली exactly उस स्पॉट में आते हैं ना जहां पर हमें परफॉर्म करना है वेर वी हैटिंग दैट काइंड रिस्पॉन्स फ्राम द पीपल यू नो हम बोलते भी अच्छा है उस वक्त शायद हम पूरे लॉजिक के साथ प्रिपेयर होके आए हैं बट हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो हम चाह रहे थे और उसका रीजन पता है क्या होता है दिस दिस इज योर लाइन दिस इज रीजन सिंपल इज दैट सेम कपड़े पहन के तुम्हारा कोई दोस्त बहुत अच्छा दिखता है और वही कपड़े पहन के यू डोंट लुक गुड ट्राई करके देखना और हम फिर क्या कहते हैं यार तुम्हारी स्टाइल बहुत अच्छी है योर फैशन सेंस इज वेरी गुड यू वही अरे तुम शहरी लड़के तो कहाँ ये वो फालतू की बकवास इेलिवेंट रीजन दिए जाते हैं

जब हम किसी से मिलते हैं सबसे कॉमन स्टांस ये हमारे इंडिया वालों का कॉमन स्टांस ये है ऐसे खड़े होते हैं लोग राइट right? हमारे पास इतनी बेसिक चीजें जैसे हमेशा कंधा ड्रूपड रहता है थोड़ा सा आगे को या कैसे तो वॉट एवर ड्रुपिंग लाइक दैट नॉट नाइस राइट ऑलवेज लुकिंग अ लिटिल लॉस्ट अपने चेहरे पे अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होना सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्फिडेंस अंदर ना होने का ना आप कुछ लोगों को देखते हैं आपको उनके अंदर चैतन्यता दिखती है और आप कुछ लोगों को देखते हैं और आपको लगता है क्या चल रहा है वॉट इज दिस ये इंसान बेचारा बहुत डरा हुआ है आप देखिए यू नो आप बड़े मीटिंग्स में या क्लासरूम्स में जाते हैं कोई एक इंसान आएगा जिसको अरे उसकी मदद करो यार वो भटक गया है बेचारा ये वो बेचारा जैसा दिखना भी लोगों की एक चॉइस होती है राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेचारा जैसा दिखना है

आपको थ्रेटेंड फील होगा पोको फेस करके किसी से बात करने का मतलब ही नहीं अगर मैं आपको पूरी क्लास यू स्ट्रेट फेस करके पढ़ाऊं या कोई भी आपका जो टीचर आपको पढ़ाता है हाउ मेनी ऑफ देम हैव यू यू सीन टीचिंग लाइक लाइक दिस दैट कोई कितना भी सीरियस हो उनके फेशियल एक्सप्रेशन एक बैलेंस्ड प्रभाव uh, से बदलते हैं और आपको भी ये चीज सीखनी होगी मैं कितनी क्लिप्स देखती हूँ YouTube पे कि बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान बैठ के इंटरव्यू दे रहा है हल्का सा सवाल पूछा गया इजीएस्ट पे है ना और बिल्कुल <laughs> नहीं मैम दिस इज ऑल आई नो मैम आर स्कैड आप दिखाते हैं ये जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है प्रूव करता है दिस इज ऑफ बी सरेंडरिंग साइन ऑफ टेलिंग डू दैट वर्क ऑन दिस वर्क ऑन दिस वॉट यू वॉन्ट टू लुक लाइक You want to be an officer, right? What do officers look like? How do officers carry themselves? Then there is voice. <clears throat> I cannot even tell you the amount of importance that you should be giving to this, the amount of importance that has to be laid on the voice quality of a person. There are people who need to probably lower their pitch, and then there are people who need to probably uplift their pitch a little some of them have absolutely no control on how they're sounding you know their, their voice is probably too shrilly bothering the ear their, their their voice is probably too squeaky and sometimes maybe they're not audible because they're speaking very very they're speaking on a very low volume which is not nice does not get, leave a good impression on the person who's listening to you does not you have to be very clear आपको जब आप एक्सेंट कोचेस और कम्युनिकेशन कोचेस के साथ काम करते हैं तो आपने सुना होगा लोग कहते हैं गला खोल के बात करो राइट right? जब हम आपसे बात करते हैं आ, हम तो खैर आपसे अकेले बात नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती अभी एम सिंह लेकिन आप अगर लोगों से मिलते हैं कुछ लोगों को देखते ही आप समझ जाते हैं कि डरा हुआ इंसान है घबराया हुआ इंसान है कुछ लोग को देखते हैं आपको लगता है सही खुले दिल का बंदा है यार बड़ा फ्रेंडली है बड़ा कॉन्फिडेंट है एटसेट्रा एटसेट्रा राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दीज थ्री थिंग्स फोर थिंग्स देंशन सो फार एंड ये आप रोज करो घर के अंदर भी करो घर के बाहर भी करो जहां जा रहे हो वहां करो कॉन्फिडेंस हर जगह काम आएगा आपको जो आप ये लाइफ को साइड पे बिता रहे हो ना इसको छोड़ो सेंटर स्टेज ले लो वही डिजर्व करते हो कैलिबर है मेहनत है काबिलियत है यू हैव एवरीथिंग वर्क ऑन इट वर्क ऑन इट एंड गेट इट इट इज योर्स डोंट टेल योरसेल्फ हमसे नहीं हो पाएगा हमारे परिवार में ये नहीं है वो नहीं है स्टॉप इट मैन दीज आर कोरे कोरे एक्सक्यूजेस हैं ये राइट अलीना स्टेलिंग

कोई भी चीज जाकर के जब कन्विक्शन के साथ थोड़े डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं बोलते हैं तो सामने वाला उसको सच मान लेता है और जब आप आंसर्स देते हैं ना तो ढीले ढाले आंसर माम आई थिंक आई थिंक इंस्टेड आई थिंक से आई बिलीव आई स्पोकन अबाउट इट एट लेंथ राइट स्पोकन अबाउट इट एट लेंथ वी हैव टू अंडरस्टैंड

And who does not want to be the center of the stage, right? So, this session is dedicated to confidence building and understanding of yourself. Pe dedicate hai. You have to sit down and talk, through all, talk yourself through all of this. You have to ask yourself, what kind of an average life am I building for myself? Or am I really building an extraordinary life for myself? Do I have it in me to create what I've dreamt of? Or do I just want to sit down and convince myself how that is not for me, but this is for me because this is average and basic, but that is extraordinary. Are you doing that to yourself? Are you really pulling yourself back? क्योंकि आपको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हम blame भले दुनिया को करें कि अरे मेरे नेब्बील्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे तो ये, मेरे तो वो, इन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया। है. Primary reason आप हमेशा खुद रहेंगे। It's going to be you. अगर मेरे कहने पे आप ये नहीं मान रहे हो कि आपके अंदर बहुत कैलिबर है आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो तो फिर जब कोई ऐरा गहरा न थो तुमसे कहता है तुम में ये कमी है यार तुम इसको ओवरकम नहीं कर पाओगे कभी तो उसको क्यों मान लेते हो फिर हमेशा नेगेटिव वाले साइड को तुरंत इंसान यू नो you know? कन्विंस हो जाता है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है बट ऑन द पॉजिटिव साइड वी आर नेवर कन्विंस विच इज अस प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट आई थिंक ये नहीं करना चाहिए नाउ मूविंग ऑन गाइज वी आर फाइनली कमिंग टू द पार्ट आई वो टेल यू दैट इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी इंटरव्यू सो येस आई डू अंडरस्टैंड मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स uh, होंगे जो uh, शायद पब्लिक सेक्टर जॉब्स के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं बट आई एल्सोन टू टॉक अबाउट ऑल द इंटरव्यूज दट यू गोइंग टू गिव इवन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ठीक है सबसे पहली चीज यहाँ पर रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो एवरीबडी हु गोज फॉर देयर पब्लिक सेक्टर जॉब्स आल्सो आपने तो खुद देखा होगा कई बार आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं पदों के बारे में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस uh, के बारे में संस्थाओं के बारे में जॉब रोल्स के बारे में राइट right? छोटे मोटे में ही पूछेंगे बट वो पूछेंगे जरूर सो so रिसर्च अच्छा पढ़ लो अब कई बार ऐसा होता है दे आर नॉट आस्किंग यू दैट क्वेश्चन डायरेक्टली बट आपके पास कोई सॉलिड इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो आपने अपने किसी और आंसर के साथ अटैच करके प्रेजेंट किया है आप कॉन्फिडेंट वेल प्रिपेयर्ड नजर आते हैं हवा में नहीं प्रिपेयर करके जाना है रिसर्च करके जाना है ये सब जरूरी होता है कि आप देखिए कि लोग बाकी इंटरव्यूज कैसे देते हैं उनके इंटरव्यू में उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी सिलेक्टेड वालों की कैसी थी नॉन सिलेक्टेड की कैसी थी एसेट्रा ठीक है सो रिसर्च वेरी वेल नो द थिंग्स दैट यू हैव टू नो अबाउट द कंपनी द जॉब योर सेल्फ इफ यू कम टू नो अबाउट द पैनल यू कैन डू दैट अंडरस्टैंड द जॉब रोल यू ये पब्लिक सेक्टर वालों के लिए ये नहीं बोलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो आप जॉब रोल का जरूर समझ लें कि इसके अंदर क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपको क्या चीजें करने की एक्सपेक्टेशन आपसे होगी और क्या आप उन चीजों को कर पाएंगे जब आप जॉब रोल पढ़ लेते हैं तो आप वहाँ जा करके वो वर्ड्स को ड्रॉप कर पाते हैं कि मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा ये मेरा शौक है तो वो उनको ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है कि हाँ दिस गाय इज मैंट फॉर द जॉब एवरी ठीक है जैसे वो हमेशा पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए आप कहाँ से आते हैं उस जगह के बारे में पांच अच्छी चीजें बताइए पांच बुरी चीजें बताइए आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो ये स्कीम है ये सही है या गलत है अच्छा मान लीजिए कि आप नेगेटिव हो गए तो अगला कदम क्या उठाएंगे इस तरीके की चीजें होती है राइट right? तो ये जो किसे बेटे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इनको तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना करोगे कैसे स्टार मेथड से करोगे क्या होता है सिचुएशन टास्क एक्शन एंड रिजल्ट राइट यू गिव योरसेल्फ अ सिचुएशन अपनी सिचुएशन बनाओ इमेजिन करो यहाँ पांच लोग बैठे हैं चार लोग बैठे हैं मैं यहाँ बैठा हूँ लाइटिंग ऐसी है मैंने ये कपड़े पहने हैं ठीक है सॉर्टेड डन मूविंग ऑन अपने आप को टास्क दो तुम्हारा पहला सवाल क्या पूछा जाएगा तुमसे या तुम कौन से सवाल की प्रैक्टिस करना चाहते हो टेक अप दैट टास्क अब तुम उसमें एक्ट कैसे करोगे तुम्हारा एक्शन क्या होगा तुम उस सवाल का जवाब किस तरह से दोगे क्या उस टाइम पे तुम्हारे हैंड्स का कोई मूवमेंट होगा क्या मूवमेंट होना चाहिए क्या बहुत ज्यादा मूवमेंट मैं टीचर हूं मुझे हर चीज को करके समझाना बताना पड़ता है आपको इंटरव्यू में नहीं अलाउड है इतना ज्यादा सो so आपकी गर्दन का मूवमेंट शोल्डर का मूवमेंट हाथों का मूवमेंट बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए और बहुत पॉजिटिव होना चाहिए गलती से भी इस तरीके से उंगली नहीं उठनी चाहिए ये तो बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है कभी भी इस तरह से हो गया तो फिर तो क्राइम ऑलमोस्ट क्राइम ट्रस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट uh, होता है आपका पैनल पब्लिक सेक्टर वालों को बता रही हूँ प्राइवेट uh, में इतना कुछ इश्यू नहीं होता है या सब चिल होते हैं लेकिन हाँ बेटर होता है जब हम ऐसे या ऐसे करके बात करते हैं दिस इज बेटर ठीक है अगर आप किसी चीज को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपका हैंड मूवमेंट ये हो सकता है ये हो सकता है गलती से भी यहाँ यहां यहां ना जाए डोंट डू do दैट ठीक है रिलैक्स करिए हाथों को आप नीचे रख के बैठिए आपको पता है ना बैठने का पोजिशन क्या होता है ओके एंड देन आपने जब सिचुएशन टास्क एक्शन कंप्लीट कर लिया आप अगर किसी के साथ बैठे हो या आप उसको फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे या आपने फीडबैक के लिए कुछ और जुगाड़ किया है तो फिर वो रिजल्ट पता करो कि आज डे वन है मेरा परफॉर्मेंस कैसा है ऑन स्केल ऑफ टेन मैं वन था वन पॉइंट फाइव था पॉइंट फाइव था जो भी था पता चलना चाहिए तो फिर आप धीरे धीरे इस चीज को रिपीट कर करके करके कर, 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 अपनी ग्रोथ को चेक कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं और अगर आप खुद को फीडबैक दे रहे हैं सॉफ्ट कॉर्नर लेके मत चलना ये मत सोचना कि मैं अरे मैं तो मैं हूं मैं अपने आप को ज्यादा नंबर दे हूँ ये मत करिएगा ठीक है नेक्स्ट देखते ड्रेस अप्रोप्रिएटली किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले सीन पीपल यार मतलब कभी हो सकता है किसी की सिचुएशन ही बड़ी खराब होती है एक साल से नौकरी नहीं है कपड़े कुपड़ों का प्रॉपर जुगाड़ नहीं है आई स्टिल अंडरस्टैंड एक जोड़ी कपड़ा है ना तो बी जस्ट वॉश इट द नाइट बिफोर वॉश इट लेट इट ड्राई गो गेट इट आय डोंट फोल्ड योर स्लीव बिफोर योर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर नथिंग डोंट डू दैट

री so टाइटली वो आता ही है और मुझे एक इंटरव्यू में टोक दिया गया था इसके लिए मैडम थी उनका तो काम था तो आप अपने बालों का स्टाइल के बारे में कुछ बताइए जबकि बिल्कुल टाइट बन रहे थे माई फेस सो हमें ये चांस नहीं लेनी चाहिए मैंने उसमें भी अपनी गलती पहचानी थी तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सिंसियर लगने चाहिए फैशनेबल नहीं सिंसियर फिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोगों के ब्लेजर हाथ से बाहर भाग रहे होते हैं वाई वुड वी डू दैट कभी कभी लोग ट्राउजर्स खड़े होके फिटिंग चेक करी बहुत बढ़िया है बैठते ही वो घुटने के पास चली गई है लुक्स एब्सोल्यूटली डिस्गस्टिंग बिल्कुल नहीं करना है ये आपको राइट घड़ी पहनी हुई घड़ी इतनी लूज है कि जितनी बार हाथ मूव कर रहा है वो टिक टिक की आवाज आ रही है वो जो चेन से आती है नॉट अलाउड एब्सोल्यूटली नॉट अलाउड प्रिम एंड प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए डे वन से डिसाइड करो समटाइम्स पीपल वेयर द वर्स्ट पॉसिबल शेड कोई ऐसा शेड पहनेंगे जो उनके कॉम्प्लेक्शन को खराब कर देगा उनकी बॉडी को ऑकवर्ड जैसे आपको बता दू सफेद रंग का जब भी आप कुछ पहनते हैं तो हमेशा वो आपको मोटा लगवाता है काले रंग का जब आप कुछ पहनते हैं तो आपको पतला लगवाता है राइट पर काला आप पहन के नहीं जा सकते हैं यू शुड ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज एंड वेरी प्लेजेंट टू दी आईज बट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट योर कॉम्प्लेक्शन सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रेसिंग अप ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड कम से कम एक महीने पहले डिसाइड कर लो कि भैया ये पहनेंगे दो आउटफिट्स हैं या एक आउटफिट है ये शूज हैं ये सॉक्स हैं ये हमारी वॉच है हमारे पास कैरी uh, करने के लिए एक uh, नैपकिन ना हमेशा होना चाहिए आपका क्या बोलते हैं उसको हंक राइट वी नीड टू हैव दैट कीप एट एन यूर पॉकेट ताकि वहां जरूरत पड़े तो ये और ये करने की नौबत नहीं आए बैड अगेन वेरी बैड बॉडी लैंग्वेज वो बता दिया कि सरेंडर कर रहे हैं राइट एनी वे सो ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया उसके बारे में शो केस योर अचीवमेंट समटाइम्स पीपल फील दैट टॉकिंग अबाउट माई अचीवमेंट्स टॉकिंग अबाउट माई पॉजिटिव विक्ट्रीज टॉकिंग अबाउट वट एवर है मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना लगू कहीं uh, इनको बुरा ना लगे अलॉट ऑफ थॉट्स Private sector सेक्टर if you've done something good you need to talk about it don't talk about अबाउट मैंने नाइनटी परसेंट स्कोर किया था class ट्वेल्थ में which is very irrelevant आप जो करने जा रहे हैं जिस job में आप बैठे हैं वहाँ पर आप लेके आए थे वन year का revenue या आपने अच्छे क्लाइंट्स को ऑन कराया था या यू have द टॉप मोस्ट क्लाइंट्स ऑफ यू ऑर्गेनाइजेशन टॉक अबाउट दैट यू मैनेज द टीम ऑफ ट्वेंटी पीपल थर्टीन पीपल वट एवर सिंगल हैंडेडली You know, you're ready to adapt to a situation. These are good things. You talk about your achievements. Given a chance in public sector uh, interviews, also, sometimes they ask you a very simple question. For example, uh, something they generally ask about the color of your outfit, or sometimes they ask about the print of your sari. Now, girls who have the power to do it, they can talk about it. I have skill. I example. a you know, sari. ये कौन सा प्रिंट है इसको क्या बोलते हैं मान लीजिए आपने मधुबनी पहना है एंड आप मधुबनी पेंटिंग भी कर लेती हैं यू टॉक अबाउट योर अचीवमेंट मौका ढूंढना चाहिए इंसान को अपने पॉजिटिव साइड को सामने रखने का डेस्परेट नहीं लगना है बट वट एवर पॉजिटिव क्वालिटी इट दैट शोज यूर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू आर प्राउड ऑफ वट एवर यू डन इन लाइफ वट एवर यू लर्न अचीव इन लाइफ राइट सो यू शो केस योर अचीवमेंट एंड

पूछ सकते हो आप ये क्राइम नहीं है इट्स एब्सोल्यूटली ओके राइट तो हम अपने आप को जबरदस्ती कन्विंस करते हैं कि ना 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 बोलना मत बोलना मत बिल्कुल स्लेव की तरह चलो स्लेव की तरह आना और एक तो वो माइंड सेट छोड़ो यार वो वाला कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं बिल्कुल डरे से में जाएंगे ढंग में रहेंगे कहीं कोई डांट ना दे सुनो बात ऐसी है तुम्हारे अंदर कैलिबर है एक इंटरव्यू छोड़ो दूसरा छोड़ो पांच छोड़ दो तुम्हारे अंदर कैलिबर है तुम वो करोगे जो तुम्हारा दिल था सिंपल सो so, ये जो डरे सहमे वाली दुनिया में लोग रहते हैं मुझे परेशानी होती है मुझे दिखता है कि वो अपना कैलिबर वेस्ट करते हैं कि कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए लगने बुरा यार यू हैव द कैलिबर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट यू हैव द पोटेंशियल सब कुछ करके इंटरव्यू तक पहुंचे हो ना तो मैं पता है ना कि तुम ऑन एन एवरेज कितने ज्यादा लोगों से कितने बुद्धिमान हो सो समाइम्स वी हैव टू यू नो मोटिवेट आवर सेल्व sometimes we have to convince ourselves you i can do it i deserve it i am freaking good i want it i'm getting it so work on your mindset i'm telling you jab tak aap andar se vaakai individually confident nahi honge tab tak aapko ये feel होता रहेगा कि मैं जब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं blank out हो जाता हूँ मैं robotic sound करता हूँ कभी भी comfortable नहीं हो पाता ये होता है ठीक है तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो आप अभी से प्लान करना शुरू करिए पंद्रह दिन में इंटरव्यू की तैयारी मत करिएगा अभी से करिए वट एवर इंटरव्यू यू वॉन्ट गो फॉर गो हैड अपेयर फॉर इट बढ़िया मचाइए ठीक है नाउ प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज यहां भी लिखा हुआ है आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देना है ना तो बेचारा दिखना है ना तो एरोगेंट दिखना है बैलेंस्ड दिखना है

बिल्कुल भी सुपरफिशियल नहीं है ट्रस्ट मी करके देखो करके देखो that confidence. गुड शार्प एंड एंटर पूछेंगे मैं आंसर दूंगा आपको दिखेगा कि आपके आने से वो चाम आया है आपके साथ थिंग्स टू डू फॉर योर इंटरव्यू एंड द लास्ट थिंग दैट वी कोड थोड़ा सा गलत हो गया है मैं आपको कोड Uh, बता देती हूँ आपको कौन सा लगाना है सो बेसिकली द फंडा इज कि आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एक बैच uh, जितने भी ऐसे लोग यहाँ मेरे साथ हैं जिनको कभी भी कम्युनिकेशन या कभी भी लेट अस से पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर यू नो वन ऑन वन इंटरेक्शन विद पीपल इन जनरल इन लाइफ जिन्हें ये लगा है कि यार मेरी अंग्रेजी कमजोर है इस वजह से मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ या ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी लैंग्वेज में कुछ परेशानी है इसलिए मैं ऑकवर्ड हूं या लोग बहुत अलग अलग लॉजिक देते हैं कि नहीं यार मैं तो हमेशा से गाँव में रही हूँ अपने शहर में आई हूँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ नो मैटर व्हाट योर प्रॉब्लम वॉट योर कंसर्न इज हियर इज अ बैच जो कि जनरल प्राइसिंग इसकी 999 होती थी वैन बी ब्रॉड डाउन टू 799 फॉर यू गाइस बट क्योंकि कल से बैच स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग द बैच एंड आप लोग अगर अपना ये कोड यूज करेंगे द कोड इज वर्ल्ड द कोड इज वर्ल्ड ठीक है ये कोड आप यूज करिए तो आपको फाइनल प्राइस ये मिलेगा एंड रिमेंबर एवरीबडी कि ये कल से शुरू हो रहा है इसकी वन आवर की क्लासेस हुआ करेंगी जिसमें हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी बॉडी uh, लैंग्वेज और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करेंगे इफ यू रियली वांट टू बिकम द कॉन्फिडेंट द बेटर वर्जन ऑफ योर आई मस्ट सजेस्ट फोर यू टू एक्सप्लोर दिस बैच इसका लिंक हमने चैट में रख दिया है आपके लिए पोस्टेड इट देर आप उस पर क्लिक करके और बैच को चेकआउट कर सकते हैं स्टडी प्लान ध्यान से देख सकते हैं वर्किंग ऑन योर वोकैबलरी वर्किंग ऑन योर ग्रामर वर्किंग ऑन योर स्पोकन इंग्लिश बोलने का मौका राइट right? वो जो फेयर है दस लोगों के सामने नहीं बोलने का वो सारी चीजों से छुट्टी आपको दिलाएंगे इस बैच में जुड़ने के लिए कोड यूज करिएगा आप वर्ड इससे आपको मैक्सिम डिस्काउंट मिलेगा दिस इज योर कोड द लिंक इज इन द चैट बॉक्स थैंक यू वेरी मच एवरी वन गॉड ब्लेस यू आई शैल सी यू सुन बाय स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी